नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कहते हैं कि मीडिया समाज को आईना दिखाती है, कहां पर क्या हो रहा है हर वक्त जनता का अपडेट रखती है। लेकिन कुछ अधिकारियों को मीडिया की कुछ बातें समझ में नहीं आती और उन्हें निशाने पर ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों हमारे सामने आया था, जिसमें हमारे एक निजी चैनल के संवाददाता अनूप कुंडू पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने उकलाना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों में खराब हो रही गेहूं की खबर को कवर किया था। गुरुवार को इसी मामले को लेकर पत्रकारों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी खंडों के सभी पत्रकारों ने शिरकत की। मीडिया कर्मियों ने इस बात को लेकर रोष था कि लापरवाही को सामने लाने वाले मीडिया कर्मी ही सरकार और विभागों का निशाना बन रहे हैं। उन्हें कहा कि क्या सच्चाई दिखाना कोई जुर्म है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के इस फैसले को जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा दो बार जांच के नाम पर लीपापोती की गई है, जिसमें एक बार भी मीडिया के पक्ष को ना ही सुना गया और ना ही बुलाया तक गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंपी गई, जिसमें पत्रकार पर दर्ज मुकदमे को खारिज करते हुए फर्जी जांच रिपोर्ट पेश करने वाले जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुभाष सिहाग और जिला परिषद के निवर्तमान कार्यकारी अधिकारी विकास यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की गई। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि अधिकारी को प्रेक्षित करते हुए दोबारा निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि किसी भी तरीके से मीडिया कर्मी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उस आरोप को भी नकारा, जिसमें कहा गया कि अवैध रूप से परिसर में घुसे हैं। उत्तम सिंह ने कहा कि इस तरीके की धाराएं प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लागू होती हैं, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर। हिसार के जिला पुलिस कप्तान के बाहर होने पर शिकायत की कॉपी पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार को सौंपी गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक कुमार ने कहा कि दोबारा से जांच कर दोनों पक्षों को शामिल किया जाएगा और निष्पक्षता से कार्यवाही करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। जो प्रकाशित हुआ ना, जो पब्लिश हुआ है, वो हमारे गोदाम की क्लिपिंग अलग अलग है। तो उन्होंने भाषा बोले तो फर्जी रिपोर्ट बना दी गई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। उन्होंने डीसी साहब की नॉलेज में डाल, डीसी साहब ने पहले जिला परिषद के ईओ थे विकास यादव जी, उनको जांच रिपोर्ट भेजी, वो भी अगले दिन गए, तो उन्होंने भी उसी लाइन पे रिपोर्ट बना दी। ये दोनों जांच रिपोर्ट में अनूप कुंडू को बुलाया था कहीं, ठीक है ना, इसके बयान लिए ना बुलाया गया, मतलब दो मस्ट होता है किसी भी इंक्वायरी में, और उसके बाद में कर दिया है कि इसी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दो, ऊपर रिपोर्ट बना के मंत्री जी को भेज दी, जो जिस हिसाब से बताएंगे उनके वैसी समझ में आएगी। एज पर मतलब हमारे पास जो क्लिपिंग है सारा है, वो सारी गोदाम की है, खराब हो रही है। और क्या नाम, एक मिनट, ये जांच किसने की थी? आप इसको तफ्तीश बता रहे, डीएफएससी ने की? एक तो डीएफएससी ने की, और फिर डीसी साहब के ऑर्डर पे ईओ जिला परिषद विकास रिपोर्ट की। ये जो प्रकाशित जो चैनल में आया है, प्रसारित हुआ है वो, और ये जो हमारे गोदाम की स्थिति अलग अलग है, और वो हमारे पास इतना सबूत है। अब हाँ ठीक है, आपकी बात मैं प्राइम ऑफिसर मान रहा हूँ। आप इसमें चाहते क्या है? एक तो सर ये एफ आई आर जो जिस फर्जी इन्वेस्टिगेशन पे हुई है उसको एफ आई आर को खारिज करवाया है। इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गेहूँ खराब हो रहा था, बात इतनी है, वो कह रहे हैं गेहूँ खराब नहीं हुआ, ये गलत खबर छपा दी, भाजपा नेता भी कह रहे हैं गेहूँ खराब हुआ था, हमारे पास उसका अभी भी सबूत नहीं है। नहीं अभी भी है तो फिर से हो सकती है इसका। जी सर, आज जो ये पूरे का पूरा मामला है, पूरे जिले भर के पत्रकार आपसे मिले, तो इस पे किस तरीके की आगे कार्रवाई करेंगे? आपने जो इस बारे में अवगत कराया है कि इसमें जांच में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसके लिए एक बार हम दोबारा जांच करवा लेंगे, और जो भी न्यायपूर्ण न्यायसंगत जो चीज़ होगी उसमें हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो पूरा करेंगे। एक तरीके से फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पे जो आरोपी लोग थे, अधिकारी थे, उनको बचाया गया है, और एक पत्रकार जो है उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, तो इसको पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज जो है उसको खारिज करने के अलावा भी क्या, अगर इस जांच में वो दोषी दोबारा से पाए गए तो कार्रवाई होगी? इसमें आपके जो क्लेम है उनकी वेरासिटी चेक करने के लिए एक हमें इंडिपेंडेंट जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जो जांच हमें करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही जो मामला सामने आएगा उस पर जैसे जैसे फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट निष्पक्ष होगी, इसमें आप निश्चिंत रहें। ये सर एक और मतलब पत्रकार को किसी सार्वजनिक कार्यालय में या उस द्वारा बनाए गए किसी और सार्वजनिक जहाँ पर आम आदमी जा सकता है, वे क्या पत्रकार का वहाँ जाना क्या वो मतलब इसे उचित लगता है क्या भाई? फिर तो जा ही नहीं पाएंगे हम किसी गेट के अंदर। जो कि एक ओपन सरफेस है सर, वही डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिस दूसरा कार्यालय हुआ का, वो कार्यालय भी है, आम लोगों का आना जाना होता है, आवागमन है, और साथ प्रॉपर्टी पे
उसकी बिना परमिशन के कोई जाता है, दैट इज ट्रेसपासिंग, दैट इज ट्रेसपासिंग। उसके अलावा पब्लिक प्लेस है तो आई डोंट थिंक दैट्स अ ट्रेसपासिंग। तो देखते हैं इसमें जो भी, अब आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि क्या था। यू जस्ट गिव मी ये डॉक्यूमेंट है, इस पर एक बार मैं देखता हूँ क्या है, देन आई विल ब्रीफ यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।